नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजीव आपके साथ और आपका साथ देंगे आज के दिन भी ज्योतिष गुरु। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो वक्त आ गया है आपको आज के दिन को समझने का और उसके हिसाब से खुद को तैयार करने का। देखिए, दिन बहुत पॉजिटिव नतीजे आपको दे सकता है। दिन में आपको नहीं पता ऐसा कौन सा पल है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा अपना राशिफल और उन टिप्स को भी जो आपके लिए तैयार करके लाए हैं ज्योतिष गुरु। लेकिन उससे पहले पंचांग। आज 19 नवंबर 2019 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। सप्तमी तिथि है दोपहर 3:36 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है रात 9:22 तक और उसके बाद मघा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे रात 9:22 पर। आज श्री काल भैरव अष्टमी है और वैधृति महापात है सुबह 8:23 तक। तो मेष और वृषभ, अब आपका राशिफल होगा आपके सामने और आपके लिए होंगे कुछ अचूक टिप्स आज को ध्यान में रखते हुए। बहुत ध्यान से सुनिए। मेष राशि वालों के निजी जीवन में सुख बना हुआ है, पर फिर भी कोई ना कोई ऐसा तकरार बार बार उभर रहा है जो आपके मन को व्यथित करता है। अगर खुद पे भरोसा कम हो जाएगा तो आप अपने लिए व्यर्थ में परेशानियां ही बढ़ाते चले जाएंगे, इसलिए किसी से भी विचारों के मतभेद से बचना होगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के प्रति थोड़ा सा भरोसा बनाए रखने से तकदीर आपका साथ निभाएगी, इसलिए अपनी एकाग्रता बनानी होगी और अपनी कोशिशों को सही दिशा भी देनी होगी। ऐसे में भी आपका भरोसा ही काम करेगा। क्या न करें इस समय में? अपनी अच्छी भली स्थिति को व्यर्थ में परेशानियों की भेंट न चढ़ने दें। लोगों से तालमेल बनाए रखें और रिश्तों को सहेज लें। बार बार उभरते हुए रोजमर्रा के तकरार में पड़ना इस समय ठीक नहीं है। वृषभ राशि वाले जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी कोशिशें अच्छी हैं, फिर भी मन में उतनी तसल्ली नहीं है जो उपलब्धियों के रूप में आपको प्रेरित कर सके। किसी प्यार के रिश्ते में भी उमड़ता हुआ कोई तूफान है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकता है। नुकसान की वजह से आपकी बचत पर भी खतरा बढ़ सकता है, जिसे संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कोई भी गलतफहमी आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकती है, इसलिए कामकाज के क्षेत्र में भी अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बिठाना होगा। आपसे वरिष्ठ लोग भी आपके प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाए हुए हैं, इस बात को भी संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। क्या न करें इस समय में? अपनी मेहनत और अपनी कोशिशों को किसी कमी की नज़र से ना देखें, बल्कि बेहतर ये होगा कि अगर कोई कमियां हैं तो उन्हें भी समय रहते संभाल लिया जाए। उसके लिए अगर अपनी मेहनत को और बढ़ाना पड़े तो अपनी ओर से कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें। तो अपनी तरफ से आपको अपनी मेहनत पूरी बनाए रखनी है, अपने प्रयास बनाए रखने हैं, बढ़ाए रखने हैं, कोई कमी नहीं छोड़नी है। सवाल लेना है हमें आशुतोष श्रीवास्तव का। 21/7/1980 ऋषिकेश में इनका जन्म हुआ है। 1:15 AM 5 साल से जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, छूटती बदलती रहती है जॉब, जिसका असर इनकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। 4 साल से कर्ज भी इनके ऊपर बहुत हो गया है, जो कि चुका पाने में इनको बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। तो क्या करें? जहां रह रहे हैं वहीं रहें या रिलोकेट हो जाएं, करें क्या? जब आदमी उलझता है तो ऐसी बातें भी मन में आती हैं कि जगह फल नहीं रही है, जगह बदल दो। आशुतोष, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की अक्टूबर 2020 तक। काम में स्थिरता नहीं है और कर्ज बढ़ता चला जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। देखिए, ये समय कुछ आपसे ये कह रहा है कि काम के प्रति अपनी लगन को बढ़ाना होगा, क्योंकि काम के प्रति लगन को बढ़ा के ही इंसान अपनी मेहनत से ज़िंदगी में कुछ हासिल कर पाता है। ज़िंदगी में चमत्कार नहीं हुआ करते, बस इस बात को समझ लीजिए। और अगर कुछ भी पाना है तो अपने फोकस को सुधार लीजिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। देखिए, ज़िंदगी में चमत्कार नहीं हुआ करते, होते भी हैं तो अपने कर्मों से होते हैं। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले सारा ध्यान अपने कामकाज पर लगा देना है। जैसे ही आप पूरे फोकस के साथ अपने कामकाज पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी एक एक करके परेशानियां छटनी शुरू होती चली जाएंगी और वो चमत्कार होते हुए आप देखेंगे। सब कुछ ठीक होगा, पूरे मन से काम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निखिल कुमार के सवाल के साथ। 6/3/2003 2:24 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है हाजीपुर में। डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अभी 12वीं क्लास में है। तो क्या ये डायरेक्शन सही है? क्या करना चाहिए इनको? निखिल, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा चल रही है मंगल की फरवरी 2020 तक। 12th में है, अगले साल डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम देना चाह रहे हैं ताकि फौज में आपका कैरियर बन सके। अपनी मेहनत को बनाने का और बढ़ाने का समय है ये, ताकि अपने सपनों को पूरा किया जा सके। आपकी फौज में नौकरी हो सकती है, ये अच्छी बात है, लेकिन
अपनी ओर से उस एकाग्रता को बढ़ाना ही पड़ेगा ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो अपनी कोशिशों को बढ़ा दीजिए निखिल, आपको सफलता जरूर मिल सकती है, एक अच्छे फौजी आप जरूर बन सकते हैं, बस अपने प्रयास कमजोर नहीं पड़ने देने। हमें आगे बढ़ना है और अब जानना है कि मिथुन और कर्क राशि आपके लिए आज का दिन कैसा है, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। आज मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है और अपनों के लिए आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, यहां तक के किसी निवेश का विचार भी हो सकता है आपके मन में जिसमें आप पैसा लगाना चाहें, पर अपने आसपास के लोगों के प्रबल होते हुए विचारों की वजह से भी आपको आलोचना सहनी पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? भाग्य तब साथ देगा जब आप लोगों से बेहतर तालमेल बनाएंगे, उसके लिए आपको अपने मन में बिठाई हुई पुरानी परेशानियों को भी हटाना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों की अच्छाई को पूरी तरह से समझ पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपनी बचत को और अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए पैसे से जुड़े किसी भी तरह के लेन देन में कोई गलती ना कर जाए। किसी यात्रा या बदलाव के दौरान भी सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना हो कहीं आपका कोई नुकसान हो जाए। कर्क राशि वाले स्थान परिवर्तन भी करना चाह रहे हैं और अपनों के करीब भी आना चाह रहे हैं। किसी भी तरह का परिवर्तन आपको बहुत सारी अच्छाइयों से जोड़ सकता है जिसके चलते रिश्तों की मधुरता में इजाफा किया जा सके। क्या करना चाहिए समय में? सब कुछ ठीक है पर सेहत के प्रति जागरूकता अपनाने से फायदा होगा। अपनी जीवन शैली में भी थोड़ी सी व्यवहारिकता लानी पड़ेगी ताकि आप बदलते हुए समय के अनुसार खुद को ढाल सके। क्या ना करें इस समय में? बहुत ज्यादा सख्त रवैया ना अपनाएं, किसी दूर स्थान के विकल्प को लेकर भी अपने मन में कोई बेचैनी ना पैदा करें। अपनी छुपी हुई चुनौतियों को समझना भी इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ऐसा करने से आपसे कोई गलती नहीं होती। छुपी हुई चुनौतियां हैं जिनको समझना जरूरी है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सिंह और कन्या राशि, देखिए गलतियां तो हम होने ही नहीं देंगे क्योंकि हम आपको बताएंगे आपके राशिफल के बाद कि आप क्या करें क्या ना करें ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति के बेहतर होने का समय है, पर धन लाभ को लेके बहुत सारे उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि आप हर चीज को लेके बहुत ज्यादा ही उत्तेजित होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? कोई भी फैसला करने से पहले थोड़ा सा मनन कर लें, चाहे वो पैसे से जुड़ी बात हो या रिश्तों से जुड़ी बात हो। रिश्तों के प्रति ध्यान देना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि उसी से आपकी जिंदगी की स्थिरता भी बनी रहेगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ा के अपने लिए मुसीबतें ना बढ़ाएं। लोगों से तालमेल बनाए रखना ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपनी ओर से किसी से भी फासले बनाते चले जाना ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है और काम से भी आपको भरपूर प्रेरणा मिल रही है। ये और बात है कि कामकाज से जुड़े रोजमर्रा के दबाव बने रह सकते हैं जिसे नए नजरिए से देखने की जरूरत है। जिंदगी की चुनौतियां भी आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को एक साथ समझना भी होगा और संभालना भी होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनों के प्रति भरोसा रखना होगा ताकि अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की तकरार की स्थिति से बचा भी जा सके। क्या ना करें इस समय में? अपनी पैसे की स्थिति को इतना भी मजबूत ना मान लें कि आप अपना नुकसान करना शुरू कर दें, इसलिए अपनी बचत को किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। आमदनी का योग अच्छा है पर पैसे के प्रति लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं। देखिए आमदनी का योग बहुत अच्छा है लेकिन पैसे को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा, ये ज्योतिष गुरु की सलाह है आपके लिए। सवाल सिमरनजीत सिंह का, 18/10/2000, 1 बजे दोपहर में जन्म हुआ है, संत नगर सिरसा हरियाणा। विदेश जाने का बहुत मन है लेकिन हर बार बात बनते बनते बिगड़ सी जाती है, कब तक जा पाएंगे और क्यों नहीं जा पा रहे हैं? सिमरनजीत, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और मिथुन राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2021 तक। विदेश जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि हर कदम पर रुकावटें ही रुकावटें हैं। देखिए कुछ भी करने के लिए उस चीज़ के लिए आपको या किसी भी व्यक्ति को खुद को तैयार करना पड़ता है। आपकी 19 वर्ष की आयु है, उस रूप से आप अपनी पढ़ाई में अपना फोकस नहीं बना पा रहे जितनी की ज़रूरत है, उस रूप से अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे जो आपको विदेश की संभावनाओं से जोड़ सके। तो उन कमियों को समझिए कि जो कमियाँ आपकी ओर से बनी हुई हैं उन्हें सुधारने की ज़रूरत है और तब जाके वो संभावनाएं बनेंगी। इस बात को याद रखें कि ज़िंदगी हम सबको मौका ज़रूर देती है लेकिन उस मौके के लिए खुद को तैयार रखना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फोकस भी कमज़ोर है, पढ़ाई में भी कमी है, कोई तैयारी भी नहीं है और काम तभी बनते हैं जब ये सारी चीज़ें ठीक ठाक हों। 19 साल की उम्र है, सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर और बाहर जाने के प्रयासों में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर दीजिए, ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ख्वाहिश पूरी होगी।
सवाल लेते हैं सोनल प्रसाद का। 9 सितंबर 2001 4:20 AM सुबह इनका जन्म हुआ है। डेहरी ऑन सोनी सोन, अच्छा बिहार रोहतास जिले में। हायर सेकेंडरी एग्जाम पास कर लिया है और कोर्स चल रहा है इनका कैबिन क्रू एयर होस्टेस का कोर्स। क्या इस फील्ड में इनको काम मिल जाएगा? 2020 में इनका इंटरव्यू है। फ्यूचर को लेकर थोड़ी चिंतित हैं। कहां पर क्या आप इन्हें गाइडेंस देना चाहेंगे? सोनल, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतरदशा चल रही है बुध की जुलाई 2020 तक। हायर सेकेंडरी कर चुकी हैं, एयर होस्टेस बनना चाह रही हैं और अगले साल आपने कहा उसकी इंटरव्यू है, उसके लिए आप तैयारी कर रही हैं। पहली बात तो आप एयर होस्टेस बन सकते हैं, ये अच्छी बात है कुंडली के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि किसी भी दिशा में अगर आप बढ़ना चाहें तो उसमें बहुत कॉम्पिटिटिव ज़माना है और इस बात को समझिए कि एक चीज़ के लिए हज़ारों लोग लाखों लोग उसके पीछे पड़े हों। तो अगर आपको लोगों से दो कदम आगे रहना है तो कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, वो अभी से बढ़ानी पड़ेगी। 2021 में आपका अच्छा सा कैरियर बन सकता है, इसके लिए अभी से उस दिशा में इतनी ज़्यादा तैयारी कर लीजिए कि आप किसी से भी पीछे ना रहें। तो अपनी कोशिशें बढ़ा दीजिए, 2021 समय है जब आपका करियर भी बन सकता है। तो मुबारक हो, आप जो सोच रही हैं, जो सपना है पूरा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे हम और अब जानेंगे तुला और वृश्चिक राशि आपके बारे में। तो आपके लिए क्या देख रहे हैं ज्योतिष गुरु आज के दिन को और कैसे क्या करने की सलाह दे रहे हैं वो जरूर नोट कीजिएगा। तुला राशि वालों की कामकाज की स्थिति अच्छी है पर आप साथ ही साथ किसी बड़े परिवर्तन का सोच रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि लोगों की सलाह की वजह से भी आप बड़े फैसले करना चाह रहे हैं। किसी भी नए विकल्प पर टटोलना अच्छी बात, पर कोई फैसला करके बार बार उसे बदलते चले जाना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी अच्छाई और लगन आपकी मेहनत के रूप में नजर आ रही है। कामकाज के क्षेत्र में सफलता मिलने की वजह से भी आपकी प्रेरणा जग रही है कि आप कुछ और बेहतर कर सकें। इसी अच्छाई को फिलहाल बनाए रखने की जरूरत है। क्या न करें इस समय में? कामकाज में मिलती हुई सफलता की वजह से आप अपने व्यवहार में कोई कमी ना आने दें। किसी से भी कोई ऐसी बहस में ना पड़ें जो आप ही का नुकसान करती चली जाए। कोई जोखिम भरा काम करके अपने लिए नुकसान की स्थिति बनाना भी इस समय ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों की परिस्थितियां संभली हुई हो सकती हैं पर पैसे का नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपकी गलतियों भरा समय नजर आ रहा है। ऐसे ही किसी दौर में यथास्थिति बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि जिंदगी की अच्छाई आपके लिए हर तरह से बनी रहे। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन से जुड़े हालात को सुधारने का मौका मिल सकता है। अपने घर में या किसी जमीन जायदाद में भी सुधार लाने के जरिए बन सकते हैं। ऐसे किसी भी तरह के विकल्प से जुड़ी योजना बनाने का समय। क्या न करें इस समय में? तकदीर को आजमाने के प्रयास में आप पैसे से जुड़े फैसलों में कोई गलती ना कर लें, इसलिए अपनी बचत को भी किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल ना डालें। किसी गलत फहमी की वजह से या किसी भी बात को पूरी तरह से समझे बिना अपना नुकसान कर लेना ठीक नहीं है। तो जब तक बात पूरी तौर पर समझ में ना आए अपना कोई नुकसान मत कीजिएगा, ये सलाह ज्योतिष गुरु की आपके लिए। धनुर्मकर राशि, अब आपके लिए क्या सलाह ज्योतिष गुरु की? आप तक पहुंचाएंगे इस उम्मीद के साथ कि आप उस सलाह पर अमल जरूर करेंगे। धनु राशि वाले समझ लें कि लोगों की अच्छी सलाह से आपको फायदा हो सकता है और आप उन्हीं लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। आपने अपने मन में पहले से बहुत सारे ऐसे विचार बना रखे हैं जो आपको लोगों से दूर कर सकते हैं। शायद इसी वजह से लोगों के विचारों में भी बार बार परिवर्तन हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह के मौके मिल सकते हैं पर नुकसान की ओर पहले नजर रखनी होगी। इस बात को याद रखें कि अगर कुछ गलत हो सकता है तो इस समय वो हो जाएगा, इसलिए किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचना होगा। इस समय आपकी मेहनत आपका भरोसा जगा सकती है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? अपने व्यवहार को इतना भी सख्त ना बनाएं कि आप लोगों से दूर हटते चले जाएं। अपने अहम को बढ़ाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा करने से भी लोगों से विचारों का मतभेद पड़ सकता है जो आपके किसी नुकसान का कारण बनता चला जाए। मकर राशि वालों को लोगों से हर तरह की मदद मिल रही है जिसके चलते कामकाज की स्थिति को संभालना आसान हो सकता है, पर आप अपनी ही धुन में अपने ही फैसले करना चाह रहे हैं और उस मदद और उस अच्छाई से जुड़ने के लिए शायद तैयार नहीं है। फिर भी हर बात को समझने से ही जिंदगी के सही फैसले किए जा सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी साथी सहयोगियों को अपने से नाराज करने से बचना होगा, इसलिए लोगों की बात ज़्यादा सुन लें। किसी भी फैसले को करने से पहले थोड़ा सा मनन करने से अपने नुकसान की स्थिति से बचा जा सकता है। क्या न करें इस समय में? किसी भी नए विकल्प को लेकर आप इतना भी ज़्यादा प्रेरित ना हो जाएं कि आपकी मुश्किलें बढ़ जाएं।
मेहनत करना अच्छी बात, पर कोई एक तरफा विचार बना के किसी एक ही चीज़ में हाथ डालते चले जाना भी ठीक नहीं है। अगर अपने काम की स्थिरता को आधार बना के फैसले करेंगे तो आपसे कोई नुकसान वैसे ही नहीं होगा। कुंभ मीन राशि, अब आपका राशिफल आएगा आपके सामने बेहतरीन टिप्स के साथ। कुंभ राशि वालों का मन परेशान है, इसलिए रिश्तों से जुड़ा बहुत सारा उतार चढ़ाव हो सकता है। अच्छी बात यह है कि कामकाज को लेकर आप प्रेरित हैं, जिसमें अपने प्रदर्शन को बेहतर किया जा सकता है, इसलिए अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने का समय है। क्या करना चाहिए इस समय? आमदनी बढ़ी हुई है पर उसी अनुपात में नुकसान भी बढ़ा हुआ है, इसलिए अपने खर्चों पर भी नजर रखनी होगी। अगर कोई आपका गलत फायदा उठाना चाह रहा है तो इस बात से भी बच के निकल जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में पहले से किसी के प्रति कोई तकरार ना बनाए, इसलिए हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के अपने लिए परेशानियां ना बटोरते चले जाएं। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें लोग आपकी हर तरह से सहायता कर सकते हैं, और यह भी कोई छोटी बात नहीं है। जिंदगी की हर चुनौती को रुकावट मानते चले जाना भी ठीक नहीं होता। मीन राशि वालों के मन में कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल हो रहा है, पर घर परिवार की खुशियों को संभाले रखना कठिन होता चला जा रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनों पे ही भरोसा नहीं कर पा रहे, और इस वजह से दूरियां बनती चली जा रही। किसी भी तरह की बहस में पड़ने से भी आपसी तकरार बढ़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़ी जो भी जरूरतें हैं उन्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा। कामकाज की स्थिति ठीक है और स्थिरता को समझते हुए ही जिंदगी के फैसले करने होंगे, क्योंकि उस अच्छाई को और उस स्थिरता को बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। हो सकता है उसमें आपका पैसा लगे भी और पैसा फंसे भी, फिर भी अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? काम के प्रति अपने प्रदर्शन को बनाए रखने में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। हो सकता है आपकी मेहनत और आपकी कोशिशों में गलतियां निकाली जाएं, पर इस बात को लेकर परेशान ना होते चले जाएं। आपकी मेहनत में, आपकी कोशिशों में हो सकता है गलतियां निकाली जाएं, लेकिन इसको लेकर परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। हमें आगे बढ़ना है सवाल के साथ। अमित कुमार का सवाल है, 13 फरवरी 1993 अटेली नरनौल में इनका जन्म हुआ है, 5 बजे सुबह। बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। जानना चाहते हैं कब तक इनको अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत परेशान है जॉब को लेकर। अमित, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतरदशा चल रही है राहु की अगस्त 2022 तक। बीटेक किया आपने, जॉब नहीं है, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान। करियर बनने में देरी होती चली जा रही है, पर अच्छी बात यह जी कि मार्च से जून 2020 में जो जॉब मिले उसे ले लें, उसी से आपका करियर बन जाएगा। पर आपकी ओर से उस तैयारी को करने में बहुत सारी कमियां नजर आ रही, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मार्च 2020 को भी समय है, उस तैयारी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है अपनी मेहनत से। इस बात को समझेंगे तभी इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। मार्च से जून 2020 में जो जॉब मिले उसे ले लीजिएगा, कोई कमी अपनी तरफ से मत छोड़िएगा, और इसी जॉब के साथ धीरे धीरे आपका करियर भी ट्रैक पर आ जाएगा। खैर, अब देखते हैं जैकपॉट में किस राशि का नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो तैयार हो जाइए ज्योतिष गुरु के पास चलने के लिए, क्योंकि उन्हीं से पता चलेगा किसके नाम खुलता है जैकपॉट। मीन राशि वालों के लिए खास उपाय है जी कि आने वाले 4 बुधवार को किसी भी मंदिर में जाएं और दुर्गा माता की मूर्ति के आगे माथा टेक लें। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने से जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचा जा सकता है, और उस धैर्य को बनाए रखने के लिए ये उपाय भी आपकी मदद कर सकता है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और नोट कीजिए ईमेल आईडी आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/tare।